खबर राजधानी देहरादून से है, जहां आईपीएस डीजी लॉ ऑर्डर अशोक कुमार ने प्रदेश आ रहे प्रवासियों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटीन एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंतर्गत बाहर से आ रहे लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटीन के नियमों का पालन न करने पर प्रदेश में अभी तक कुल 182 व्यक्तियों के खिलाफ 141 मुकदमे दर्ज किए गए। नमस्कार साथियों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से प्रवासी उत्तराखंड के निवासी प्रदेश में वापस लौट रहे हैं, और पिछले 15 दिन में लगभग 1,00,000 आदमी वापस आ चुका है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा संक्रमित एरिया से आ रहे हैं, ज्यादा रेड जोन से आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऐसे में हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम और सतर्कता दिखाएं। जो लोगों को इनमें से जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है। जो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो अधिकांशतः लोग 90% लोग जो है होम क्वारंटाइन में।